स्टूडेंट्स, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि हाउ टू रिप्रेजेंट रूट 4.5 ऑन नंबर लाइन। ठीक है, रूट 4.5 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हम लोग आज सीखेंगे। ठीक है, तो पहले सबसे पहला स्टेप क्या है, हम लोग एक लाइन लेंगे। देखो ध्यान से, एक लाइन ले रहा हूँ, ले लिया। अब ये 4.5 लेंथ का एक ठो आर्क बनाओ, 4.5 ज़्यादा नहीं, 4.5। ठीक, 4.5 का बनाया, देखो एक बार, इसका नाम दो ए, इसका नाम दो बी। ठीक है, मैंने पेन यूज़ किया है ताकि तुम लोग को पॉइंट्स अच्छे से दिखाई दे, पर तुम पॉइंट्स का नाम पेंसिल से ही लिखना। ठीक है, अब क्या है, इसको सी तक एक्सटेंड करेंगे जो कि बी सी का वैल्यू 1 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब 1 सेंटीमीटर लो, मैंने 1 सेंटीमीटर लिया, 1 सेंटीमीटर ले रहा हूँ, 1 सेंटीमीटर लेके यहाँ पे सी बनाओ, बी से सी तक 1 सेंटीमीटर होगा सी, सी पॉइंट मार्क करो। अब क्या करना है, ए सी को आधा करना है। ए सी को आधा कैसे करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे, आधा से ज़्यादा लो, ऊपर काटो नीचे काटो, इधर भी ऊपर काटो नीचे काटो। ठीक है, चलो देखो, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लिया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से मुझे क्या मिलेगा, एसी का मिड पॉइंट मिलेगा। अब उस मिड पॉइंट को देखो, उस मिड पॉइंट से ए तक का रेडियस लेके एक तो सेमी सर्कल बनाना है। देखो सी पे ख़त्म होता है सेमी सर्कल, अब यहाँ पे देखो बी से ये सेमी सर्कल तक का एक लाइन ड्रॉ कर, बस इसको मान लो मैंने नाम दे दिया डी, इसका नाम दिया ओ, इसका नाम दिया डी। अब बी डी को रेडियस लेके, बी डी को रेडियस लेके घुमाओ, जिधर जाके गिरेगा यहाँ पे, इस पॉइंट को हम ई मार्क करेंगे जो कि रूट 4.5 होगा। ठीक है, फिर लिख दो हेयर, नीचे लिखना हेयर ए बी इज इक्वल टू 4.5 cm। ठीक है, बी सी इज इक्वल टू 1 cm और ए सी इज इक्वल टू 5.5 cm, आधा है। ठीक है, ये सब मेंशन कर दो, ई पॉइंट ही तुम्हारा 4.5 है। समझ पाए, देखो इसको, पिक्चर देख सकते हो, ध्यान से देखो। अब मैं और एक बार बोल रहा हूँ, ठीक है, अब देखो पहले क्या करना था मुझे, पहले मैंने एक स्ट्रेट लाइन लिया जिस पे मैंने 4.5 बनाया, ए बी 4.5, फिर बी सी को मैं और एक 1 cm, ए बी को 1 cm एक्सटेंड किया बी सी तक। ठीक है, 1 cm बढ़ा, ये वाला है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो यहाँ पे ये वाला है 4.5 cm यहाँ तक और ये वाला है 1 cm। ठीक है, देखो यहाँ पे, देखो ध्यान से देखो, थोड़ा नीचे का देखो, ए बी है तुम्हारा 4.5, बी सी है 1 cm। ठीक है, ये टोटल मिलके हो गया 5.5 cm, तो उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करके आधा किया, आधा मिला इस पॉइंट पे, उसका मैं फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलके जो ये वाला इतने को रेडियस लेके कंपास पे, कंपास में घुमाया, इतने को रेडियस लेके, पहले इतने को रेडियस लेके घुमाना है। ठीक है, देखो पहला ए ओ को रेडियस लिया, ए ओ को रेडियस लेके सेमी सर्कल बनाया, फिर बी और उस सेमी सर्कल का पूरा सीधा करके एक जॉइंट कर दिया, फिर बी डी को फिर से रेडियस लो, बी डी को फिर से रेडियस लेके घुमाओ, जहाँ पे गिरेगा वो होगा रूट 4.5। समझ में आया, दैट्स ऑल, थैंक यू।